नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर दिशांत धीमान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और घर के नक्शे के बारे में। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर इस तरह का कोई नक्शा बनाइएगा कि जिसमें हमारा खुद के रहने के लिए भी हो जाए और रेंट पर देने के लिए भी हो जाए। तो आज मैं ऐसा ही कुछ डिज़ाइन लेके आया हूँ जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर खुद के रहने के लिए तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ग्राउंड पर ही आपको एक रेंट रूम मिल जाएगा जिसको आप रेंट पर दे सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर आपको पूरा पोर्शन रेंट पर्पस से मिल जाएगा। और हमने जो रास्ता रखा हुआ है रेंट वालों के लिए वो भी सेपरेट रखा हुआ है, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा हुआ है इस नक्शे में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरा हमेशा, मैं कोई भी डिज़ाइन डालता हूँ तो उसमें आपको हमेशा डिफरेंट देखने को मिलता है और इस नक्शे में भी आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान दोनों ही स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान की, उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये डिज़ाइन प्लान अच्छा लगता है तो वीडियो को भी आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड पर दोस्तों आपको बैक साइड में आप देख सकते हैं एक रेंट रूम निकाला हुआ है, बाकी का पूरा पोर्शन हमने ऑनर के खुद के रहने के लिए बनाया हुआ है। और ये जो प्लॉट था दोस्तों वो गुनिया में नहीं था, इसका चारों साइड डिफरेंट था। इसका एक फ्रंट 35 फिट था तो बैक इसका 35 था, एक साइड इसका 45 फिट था और एक साइड इसका 40 फिट था। तो इस तरह से ये हमारा प्लॉट था। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है, अगर आपके प्लॉट का साइज़ प्लॉट साइज़ के आसपास है तो हम इसको आपको कन्वर्ट करके दे देंगे आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेन गेट लगा हुआ है, यहीं से स्टार्ट करते हैं मेन गेट से। मेन गेट से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको पोर्च मिल जाएगा, बाइक्स वगैरह आपको यहाँ पर पार्क हो जाएगा। साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमने दिया हुआ है, यहाँ पर 10 फिट 6 इंच बाई 13 फिट 6 इंच 13 फिट 9 इंच का हमने ये पार्किंग एरिया पोर्च दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे वरांदा है और वरांदे का साइज़ आप देख सकते हैं 5 फिट वाइड का वरांदा है। फ्रंट पे भी हमने 3 फिट का सेटबैक छोड़ा हुआ है, वेंटिलेशन के काम भी आएगा और साथ के साथ इसमें हम छज्जा वगैरह निकाल लेंगे, विंडो वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने राइट साइड में भी आप देख सकते हैं हमने 2 फिट 9 इंच का सेटबैक छोड़ा हुआ है, ठीक है। बैक साइड में जो ये बाकी जो तिकोना बन रहा था सीधा लाइन लेने के बाद, ये हमारा वेंटिलेशन काम आएगा, ठीक है। वरांदे से जैसे ही आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलेगा जो कि आपके खुद के रहने के लिए रहेगा, 11 बाई 14 का हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। सोफ़ा सेट आपका यहाँ पे लग जाएगा और बेड भी अगर आप लगाना चाहें यहाँ पर, अगर आप बेड लगा लेते हैं और यहाँ पर सोफ़ा सेट लगा लेते हैं तब भी दोस्तों आपका ये दोनों काम कर देगा, गेस्ट का भी काम कर देगा और आपका ड्राइंग का भी काम कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर से लगा हुआ है, इस आर से आगे जाएंगे तो ये आपको डाइनिंग मिल जाएगा। इस डाइनिंग का भी आप साइज़ देख सकते हैं 11 फिट 9 इंच बाई 11 फिट का है। किचन को हमने फ्रंट में रखा हुआ है, देख सकते हैं आप 8 फिट 6 इंच बाई 6 फिट का, ठीक है। और यहाँ पर दो टॉयलेट दिए हुए हैं, एक कॉमन है और एक अटैच है बेडरूम के साथ। बैक साइड में आपको इसमें एक बेडरूम मिलेगा 11 बाई 12 का, इसके साथ अलमीरा भी दे रखा है, इसके साथ अटैच वॉशरूम 7 बाई 4 का, ठीक है। और एक कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सबके लिए रहेगा 7 बाई 4 फिट 6 इंच का, ठीक है। तो ये तो सेट हमारा ऑनर के रहने के लिए था। यहाँ पे भी एक डोर लगाया हुआ है डाइनिंग से, अगर आपको यहाँ से भी एंट्री करनी होगी, ठीक है, सीढ़ी के नीचे से, तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, वरना आप इसको बंद रखिएगा। और बैक साइड में आप देखेंगे कि आपको रेंट पर्पज़ से आपके खुद के रें ओ सॉरी रेंट पर्पज़ से रेंट पर देने के लिए आपको एक सेट मिल जाएगा जिसमें आपका एक बेडरूम होगा, किचन होगा और एक कॉमन टॉयलेट होगा। काफ़ी अच्छा सेट है ये और देख सकते हैं साइजेस वगैरह भी हमने किस तरह से लिए हुए हैं। सीढ़ी को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है, प्राइवेसी का ध्यान रखा हुआ है, जिसको भी आप रेंट पे कमरा दोगे अपना आएगा साइड से और ऊपर चल जाएगा। सीढ़ी से चढ़ के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हम अपने पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पर हम देखते हैं कि हमको मिलते हैं 3 रेंट रूम विद अटैच किचन टॉयलेट के साथ, और सामने मिलेगा आपको एक अच्छा सा एलिवेशन के लिए ओपन टेरिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में जैसा नीचे था वैसा तो वाला सेट तो है ही, बाकी एक सेट ये हो गया इसके साथ किचन टॉयलेट और बेडरूम, और एक बैक साइड में हो गया इसके साथ बेडरूम किचन और टॉयलेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लान आपको कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और अपने प्लॉट का साइज़ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमसे अपना डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पे 9760202215 पर। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।